उलाई नदी बचाओ संघर्ष समिति गिद्धौर के बैनर तले गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय में किसानों के द्वारा 19 जनवरी को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आशय की जानकारी साझा करते हुए किसान नेता कुणाल सिंह ने बताया कि इन दिनों गिद्धौर थाना क्षेत्र के विभिन्न बालू घाटों से विभागीय नियमों के विपरीत हो रहे उत्खनन से किसानों को होने वाले नुकसान पर आवाज उठाई जाएगी। इसको लेकर किसान गोलबंद होकर 19 जनवरी 2023 को गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। कल दिनांक 19/1/2023 को गिद्धौर प्रखंड कार्यालय में सिंचाई व्यवस्था को ध्वस्त करने के विरुद्ध बालू माफियाओं के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के द्वारा जिला के सभी पदाधिकारियों से मांग किया गया है कि बंधौरा दुर्गा काली घाट में जो बालू उत्खनन का कार्य चल रहा, वहां पे 11 करोड़ की लागत से 3 सिंचाई पैन का निर्माण कराया गया। उस तीनों सिंचाई पैन को बचाने के लिए किसान कल गिद्धौर प्रखंड कार्यालय में जुटेंगे। वहीं गिद्धौर में चल रहे भ्रष्टाचार, जिसमें कि बीपीआरओ के द्वारा हरेक कार्य में 40% पैसा लिया जा रहा है, जिसके कारण प्रखंड के सभी पंचायती राज के कार्यों में गुणवत्ता नहीं देखी जा रही, इसके विरोध में भी लोग प्रदर्शन करेंगे। साथ ही सुखाड़ राहत का जो पैसा दिया गया था वो उसमें काफी धांधली हुई और आम लोगों तक 3500 रुपया नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण किसानों में और लोगों में काफी आक्रोश है, उनके विरोध में भी लोग प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन को लेकर के माननीय डीएम साहब को और अनुमंडल पदाधिकारी को इसकी सूचना दे दी गई है और कल इसके लिए वृहद पैमाने पर तैयारी जारी है। इस सर्वदलीय धरना प्रदर्शन में गिद्धौर प्रखंड के दर्जनों गांवों से सैकड़ों की संख्या में किसानों की उपस्थिति होने की संभावना जताई जा रही है।